हेलो दोस्तों नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एयर प्रेशर व्हिच इज अटैच इन चैप्टर सैन फाइव इन एनसीईआरटी क्लास सेवन जोग्राफी नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर प्रेशर व्हाट इज एयर प्रेशर व्हेनेवर इन अर्थ सरफेस द एयर क्रिएटिंग ए प्रेशर मतलब अर्थ सर्फेस पर एयर द्वारा प्रेशर जो होता है उसको एयर प्रेशर कहते हैं सबसे पहले ऑटोवेन गैरिक ने सोलह सौ पचास सिक्सटीन फिफ्टी में एयर प्रेशर के बारे में जाना अब है कि एयर प्रेशर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है होता है ऊपर की ओर जब हम लोग जाते हैं तो दाब प्रेशर गिरता है और सी लेवल पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो एयर गर्म होकर ऊपर जाता है एयर यहां पे मान लीजिए गर्म होगा ऊपर जाएगा ठीक है और निम्न दाब वाला क्षेत्र में बादल युक्त आकाश नम और मौसम से जुड़ा हुआ है ठीक है जहां पर लो प्रेशर है तो वहां पर क्या होगा कि बादल युक्त तो आकाश होगा मतलब बादल रहेंगे और नमी रहेगा नमी वाला मौसम रहेगा अगर हम लोग एयर प्रेशर को देखें तो इसको बैरोमीटर से मापा जाता है आप लोग देखेंगे बैरोमीटर का पार्ट ऊपर गिरता है नीचे गिरता है जो बारिश होने ना होने मौसम साफ रहने ना रहने का इंडिकेट करता है और इसका जो एयर प्रेशर का इकाई हो होता है वो मीली बार होता है अगर हम लोग विश्वत रेखा वायुदाब में जाएं अगर हम लोग विश्वत रेखा वायु दाब में जाएं ठीक है तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है बहुत लो होता है और अगर हम लोग पोल में जाएं पोल तो वहां पे जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है और एयर प्रेशर को अगर हम डेफ्रिच्रिएट करें तो थ्री टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर्स होता है कौन कौन अस्थाई मौसमी और अस्थानी अस्थाई मतलब हो गया आपका ट्रेड विंड एक निश्चित दिशा में साल भर जो चलता है मौसमी पवनों में आपका हो जाएगा कि विभिन्न ऋतुओं में दिशा बदलती है मतलब जैसा जैसा ऋतु आएगा उसका जो दिशा है वो बदलते रहता है जैसे स्थल में जो चलती है ए, सॉरी अगला है स्थानीय मतलब एक स्थान का जैसे छोटे क्षेत्र में शाल में क्या होता है कि विशेष समय में ये बदलते रहती है जैसे स्थल में छोटे से छे, क्षेत्र में है वहाँ पे अलग होगा कहीं पे लू चल रही है होता है कि नहीं कहीं पे नहीं चलती है कहीं पे चलती है उसी तरह समुद्र में भी जो होता है स्थानीय पवने बदलते रहती है कभी हाई कभी लो इस तरह का होता है इसके बाद हम लोग देखते हैं वायुमंडल की पेटियां। तो ये पेटियां क्या है जैसे भूमधरेखी निम्न दाब अधोध्रुवी अधो निम्न दाब अधोध्रुवी निम्न दाब नीचे भी है ध्रुवी पूर्वी पवन इस तरह से जो पेटियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले पेटियों में हम लोग देखते हैं कि रेखी निम्न दाब कहा भूमधरे की निम्न दाब यहां पे। तो ये कितने डिग्री में आ रहा है मकर रेखा से जस्ट ऊपर तेईस पॉइंट पांच डिग्री सेंटीग्रेस सेल्सियस से जस्ट ऊपर ये वाला जो क्षेत्र होता है हमेशा यहां पर सूर्य के उत्तरायण में होता है और इसकी स्थिति बदलते रहती है सदैव यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये वाला एरिया जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे जो रहेंगे हाई टेम्परेचर का रहेगा हाई टेम्परेचर माथा वाला ऐसा नहीं है बस यहाँ टेम्परेचर हाई होता है ठीक है और हवा गतिशील होती है यहाँ पर और हवा गतिशील होके ऊपर उठते रहती है यहां पे ऊपर डायरेक्शन में जाते रहेगा ये हवा ठीक है और इसका प्रसार होता है जब हवा गतिशील हो रही है तो इसका प्रसार होता है यहाँ फैल रहा है इधर फैल रहा है इधर फैल रहा है चारों तरफ फैल रहा होता है हवा जब ऊपर उठते ही तो क्षेत्रीज वायु का संचारण बंद हो जाता है मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हवा ऊपर उठ रही है इधर से इधर चला गया तो नीचे वाला जो है उसका जो संचारण होता है कंडक्शन जो होता है संचरण सॉरी वो काफ़ी लो हो जाता है क्या हो जाता है काफ़ी लो हो जाता है यहाँ पे तो वहां पर क्या होगा मान लीजिए आप लोग घर से निकल गए घर में कोई नहीं है घर शांत रहता है ठीक है उसी प्रकार यहां पर हवा निकल गई चारों ओर ऊपर में फैल गई नीचे तो शांत रह गया ना तो इसको क्या कहेंगे वातावरण शांत है या इसको शांत पेटी शांत पेटी या फिर डोल ड्रम ड्रम डोल रहा है ना मान लीजिए एक ड्रम है उसके अंदर कुछ रख दीजिए वो डोल रहा है तो उसको डोल ड्रम उसी तरह यहां हवा है इधर उधर डोल रही है ऊपर में नीचे कुछ है ही नहीं शांत है तो उसको डोल ड्रम कहते हैं है कि नहीं यह आपको समझ में आ गया अगला है उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब हम लोग उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब को देखते हैं तो यहां पे है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ यहां पे है और उपोष्ण उच्च दाव अक्षांश यहां पे भी है 30 से 35 डिग्री साउथ यहां पे 30 से 35 डिग्री अक्षांश इन अक्षांशों पर उच्च दाब का निर्माण होता है यहां पे और यहाँ पे किसलिए होता है कि विश्ववती क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई गर्म वायु विसवती क्षेत्र से जो ऊपर उठ के जो गर्म वायु होता है मतलब यहां से ठीक है गर्म वायु ऊपर उठ के जाता है और ऊपर जाकर ठंडी होकर ध्रुवों की ओर फैलने लगता है ठंडा हो जाता है यहां पे आके और ध्रुवों की ओर फैलने लगता है पृथ्वी की जो दैनिक गति है उपध्रुवी क्षेत्रों से वायु उपोषण प्रदेश में एकत्रित हो जाता है और उच्च दाब क्रिएट करता है 30 से 35 डिग्री हॉर्स इसी को कहते हैं यहां पे क्या है कि 30 से 35 फाइव हॉर्स अक्षांश जो है अस्वाक्षांश यहां पर जलयान का गति बहुत ही यहां पे मंद होता है इस पेटी में ऊपर से नीचे उतरने से हवाएं दबती है ऊपर से नीचे उतरेगा हवाएं दबेगा और तापमान में वृद्धि होगा यहां पे जो है क्लियर क्लाउड होता है मतलब क्लाउड नहीं होता आकाश क्लाउड रहित होता है और सबसे ज्यादा उष्ण मरुस्थल इसी क्षेत्रों में होता है यहां पे यहां पे आपको पूछेगा 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में 30 से 35 डिग्री साउथ में क्या है तो अस्वक्षांश अगला है निम्न निम्नदाब की वायु पेटियां तो उपद्रवी निम्न निम्नदाब की वायु पेटियां 60 से 60, 65 डिग्री अक्षांश पे होता है यहां पे टेम्परेचर क्या है बहुत ही लो होता है और अर्थ का रोटेशन के कारण एयर फैल के स्थानांतरित हो जाता है अर्थ का रोटेशन हो रहा है एयर फैल के चारों ओर फैल जाता स्थानांतरित हो जाता है यहां से वहां यहां से वहां और निम्न दाब का क्षेत्र ये बन जाता है यहां पे जो दाब होगा बहुत ही निम्न दाब का होता है लो होता है अगला है ध्रुवी उच्च दाब की पेटियां ध्रुवी उच्च दाब की पेटियां लो टेम्परेचर होता है और ये वायु दाब का जो पेटिया होता है बहुत ही लो टेम्परेचर का होता है यहां पे जो कोल्ड एयर होता है बहुत ही हैवी एयर होता है यहां पे जो कोल्ड एयर हो रहा है यहां पे बहुत ही हैवी एयर होता है जो नीचे उतर के जो नीचे उतर के ध्रुवी वायु पेटी का निर्माण करता है यहां से नीचे उतरा ध्रुवी वायु पेटी बना रहा है यहां से नीचे उतरा ध्रुवी वायु पेटी बना रहा है ठीक है यहां पे हम लोगों ने चीज देखा अगर आप लोगों को पूछा जाए कि डोलड्रम कहां है तो मकर रेखा से ऊपर और कर्क रेखा से नीचे तेईस डिग्री साउथ पे है तेईस पॉइंट पांच डिग्री साउथ पे है इसको ये जो पट्टी है यह डोलड्रम है भूमध्य रेखी निम्न दाब। ठीक है अगला हम लोग देखेंगे फिर पवन अगले चैप्टर में एयर्स